क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अनोनमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित ए टू जेड जानकारी प्राप्त करें। भारतीय शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोटे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का अलग अलग निर्धारण कर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में कमी लाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को अपनी अपनी विषय सूची से संबंधित कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित दो भागों में विभक्त किया गया। स्थानांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा प्रसारित किया जाता था, जिसे अपने कार्य में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का सहयोग प्राप्त था। आरक्षित विषय भी गवर्नर के अधीन थे, किंतु इसमें उसे कार्यकारी परिषद का सहयोग प्राप्त था, जो विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। शासन की इस दोहरी पद्धति को द्वैत शासन के नाम से जाना जाता था, परंतु यह प्रयोग सफल नहीं रहा था। इस अधिनियम के फलस्वरूप देश में द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में आया, जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन विधानसभा का प्रावधान था। इन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 6 सदस्यों गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। भारत शासन अधिनियम 1935। परिसंघ अधिनियम के तहत प्रांतों और इकाइयों के रूप में रजवाड़ों को शामिल करके अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के संदर्भ में हुआ। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 मदों सहित, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 मदों सहित। समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के लिए 36 मदों सहित। शेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे, तथापि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन का अंत हुआ तथा इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता ने ले ली। प्रांत केंद्र के नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त हुए तथा इन्हें अपने अपने परिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने की आजादी मिली। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतीय विधानसभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। अधिनियम के यह भाग वर्ष 1930 में प्रभावी हुआ, पर वर्ष 1939 में इसको त्याग दिया गया। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन। इस अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैत शासन अंगीकृत करने का प्रावधान था। फलस्वरूप संघीय विषय सूची को आरक्षित और स्थानांतरित विषय सूची में विभक्त किया गया था, तथापि अधिनियम का यह प्रावधान प्रभावी नहीं हुआ। प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति। इस अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय पद्धति की शुरुआत हुई। इस प्रकार मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों के विधान मंडलों को 2 सदनों अर्थात विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन में बांट दिया गया। इन पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघ और द्वैत शासन से जुड़े प्रावधानों के वर्ष 1947 तक प्रभावी न होने के कारण भारत सरकार का कामकाज 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलता रहा। इस प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया कार्यकारी परिषद द्वारा 1947 तक जारी रहा। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और प्रभुता संपन्नता देश घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हुई।
इसके द्वारा केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नाम मात्र के लिए भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की गई। दूसरे शब्दों में उक्त दोनों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता था। इसने वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा को दो कार्य सौंपे, संवैधानिक और विधायी। इस औपनिवेशिक विधायिका को इसने प्रभुता संपन्न संस्था घोषित किया। एक नजर मेरे चैनल पर डालते हैं दोस्तों, UPSC Anonymous Quiz YouTube और Telegram चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप UPSC की तैयारी करते हैं और UPSC एग्जाम क्रैक करना है तो UPSC Anonymous Quiz YouTube चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों यहां हमारे तरफ से सभी UPSC कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो UPSC और IAS टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।